सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर राय के पास डंपर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की तस्वीरों को देखकर आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना कैसी रही होगी। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, मगर सेफ्टी बैग होने के बावजूद भी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग दिल्ली से पानीपत की तरफ एक स्विफ्ट कार से जा रहे थे, मगर जैसे ही वो सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर राय के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार होने के कारण कार डंपर से टकरा गई। अभी लास्ट सुबह ही कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट की सूचना मिली है। हाईवे पर फ्लाईओवर के ऊपर एक डंपर से और एक डंपर और कार का एक्सीडेंट हुआ है। कार में लेडीज थी। अभी कुल कितने आदमी थे हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं हमारे पुलिस के पहुंचने से पहले। एक की अब तक मौत होने की सूचना, एक महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस पार्टी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल में भेज दी गई है, अलग अलग हॉस्पिटलों में। जैसी सूचना सामने आई कार्रवाई कर। सर गाड़ी कहाँ से जा रही थी, कौन सी गाड़ी थी? आशिफ्ट कार है, गाड़ी है ये, और पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रही थी। टैक्सी गाड़ी है सर? टैक्सी गाड़ी। कितने घायल हैं, क्या कुछ जांच कोई टीम गठित? अभी तक एक की मौत की सूचना और 3 घायल की सूचना आई है और पुलिस कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल में जा चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए राय थाना प्रभारी बदन सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार और डंपर में टक्कर हो गई है और हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रही है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।